बिजली कर्मचारियों द्वारा अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन के बैनर तले उखड़े कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों का कहना है कि करनाल की शहरी यूनिट 132 केवी सबस्टेशन आवासीय कॉलोनी में भ्रष्टाचार एवं मूलभूत सुविधाएं नहीं है। कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी राकेश रंगा की तानाशाही एवं गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर भी वो प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी नेताओं ने कहा कि हमेशा आवासीय कॉलोनी का टेंडर अधिकारी अपने चहेते लोगों को देते हैं, जिससे भ्रष्टाचार पनपने की ज्यादा उम्मीद बनी रहती है। इस मौके पर सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने भी आकर बिजली कर्मचारियों का समर्थन किया। सर्व कर्मचारी संघ ने नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए कृषि के क्षेत्र में जो तीन काले कानून लागू किए गए हैं, उनका सर्व कर्मचारी संघ एवं ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन भी जोरदार विरोध करती है। उन्होंने कहा कि जब तक उच्च अधिकारी उनकी मांगों को मान नहीं लेते, तब तक यह धरना अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा और प्रतिदिन 2 घंटे के लिए वर्क सस्पेंड कर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वर्कर यूनियन जिंदाबाद। आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति का ध्यान। करनाल में हम मौजूद है, यहाँ बिजली निगम वालों की हड़ताल चल रही है जो कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। इन्हीं से पूरा मामला जानेंगे कि क्यों ये हड़ताल कर रहे हैं और क्या इसका कारण है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि सब यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हैं आज? आप बता दो जी प्रधान जी। नहीं नहीं, आज पूरे प्रदेश में बिजली कर्मचारी किसानों की मांगों के समर्थन में उन पे जो सरकार ने उत्पीड़न किया है, हरियाणा की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, मोदी की सरकार ने, उसके खिलाफ आज उनके समर्थन में यहाँ पे पूरे हरियाणा में हमारा यूनिट लेवल पे, जिला हेडक्वार्टरों पे ऐसे ही प्रदर्शन है उनकी मांगों के समर्थन में। उनकी मांगों को सरकार माने, अन्यथा कर्मचारी भी सड़कों पे आने के लिए मजबूर होंगे। और हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं आज केवल उनकी बात है। एक छोटा सा हमारा आंदोलन भी यहाँ चला हुआ था। SSC हैं अपना यहाँ रंगा जी, उन्हें कोई कॉलोनी की हमारी की मेंटेनेंस नहीं, खिड़की टूटी पड़ी हैं, दरवाजे नहीं हैं, बाथरूम टूटे पड़े हैं, लेंटर टूट रहे हैं, बाउंड्री सारी खराब पड़ी हैं, सफाई की व्यवस्था नहीं है, कॉलोनी में सुअर घूमते हैं। इन सारी समस्याओं को लेके 2 दिन से हमारा एक अलग से आंदोलन चला हुआ है। उसमें भी हम SSC एक्शन SC मुद्दे से अपील करते हैं कि समय रहते हैं काम करके और इन नेताओं से बैठ के बातचीत करें, अन्यथा ये आंदोलन किसी भी रूप में आगे की तरफ बढ़ने पे मजबूर होगा। ये आज हमारी मुख्य सी मांग है। तो मैं प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, NP सिंह चौहान मेरा नाम है, और हमारी ये TL जो सब यूनिट है यहाँ की, उसके अध्यक्ष हैं हमारे देवीदत्त पांडे जी, वो यहाँ की अध्यक्षता करेंगे, बाकी बात आपसे वो करेंगे साथी देवीदत्त। सर, ये जो आंदोलन आप कर रहे हैं, क्या आपकी मांग है और क्या आप चाहते हैं सर? आज हमारा यहाँ पे, मैं देवीदत्त पांडे, ग्रेट TL IGPN सब यूनिट का प्रधान हूँ। हमने यहाँ राकेश रंगा जी SSC साहब हैं, उनको 7/11/2021 को एक एजेंडा दिया था। एजेंडे में हमारी कुछ मांगें थी, जिसके आधार पर इन्होंने हमें उस पर ना तो हमारे एजेंडे पर हमको बातचीत के लिए बुलाया, ना ही उस पर काम करा। हमने इनको 18 तारीख को एक आंदोलन का फिर नोटिस दिया था, जिसमें हमने 26/11/2021 तक का टाइम दिया था। SSC महोदय ने 27/11 को हमको बुलाया, हम इससे बातचीत करने के लिए गए। जो हमारी 15-16 मांगे थी, उसमें से एक भी काम इन्होंने नहीं कर रखा था। तो हमने काम करने के लिए कहा इसको, भाई हमारे काम कर दे, तभी हम इस पर करेंगे। ये बोला इसका बोलने का रवैया ठीक नहीं था, काम करने का रवैया ठीक नहीं है। और इस बीच में हमारे जो नेता वहाँ मीटिंग में बैठे हुए थे, उन्होंने जब कहा कि जब तूने काम ही नहीं कर रखा है तो हम तेरे से क्या बात करें, तो हमने इसको वो बात डेडलॉक कर दी कि हम नहीं करते तेरे से बात, हमारा काम करके हमें बात करने के। उसके बावजूद ये इसने मंगलवार तक का टाइम दिया था, कल मंगलवार था कि मैं आपके काम कर दूंगा। कल मंगलवार भी चले गया, आज बुधवार हो गया, लेकिन ना तो उसके बाद इसने कोई काम के लिए बुलाया, ना ही उस एजेंडे पर कोई काम करके दिखाया अभी तक। और कॉलोनी में इतनी बुरी हालत है, कॉलोनी में आवारा सुअर घूम रहे हैं, कोई वो नहीं। ये ठेकेदारों का दलाल बना हुआ है, ठेकेदारों से मिला हुआ है, टेंडर 1-1 लाख के टेंडर लगाते हैं एक्शन लेवल पे, अपने चहेतों को टेंडर देते हैं, और अपने चहेतों को टेंडर देने पर 1 लाख का टेंडर लगाने का 20,000 का काम करा के 80,000 मिल के अधिकारी खा लेते हैं।
इससे ऊपर की इनका हमने इनको कहा था कि जो यहाँ कॉलोनी में मेटेरियल लगा हुआ है हमने हमारे एजेंडे में है उस मेटेरियल की जांच विजिलेंस से करवाई जाए कि ये ठेकेदार द्वारा ये मेटेरियल वाक्य में सही मेटेरियल लगा हुआ है जो आपके एस्टिमेट के तहत काम किया गया हुआ क्या ये सही है। तो इसके बारे में हमने इसको एजेंडा दिया गया था और इसी के बारे में इसको हम यही हमारी हुए हैं। हमारी कोई ऐसी ज़्यादा वो नहीं है, कॉलोनी के मेंटेनेंस के काम है जिसके लिए सरकार पैसा देती है। जो भी कॉलोनी में क्वार्टर में रहते हैं आज की डेट में 5,000 रुपये से कम किसी का हाउस रेंट नहीं कटता है। हर महीने 5,000-6,000 हाउस रेंट कटवाते हैं, उसके बावजूद ये कॉलोनी की मेंटेनेंस नहीं करते। मेंटेनेंस के लिए बजट बहुत आता है ऊपर से, उस बजट का ये नहीं पता लगता है वो बजट को ये कहाँ पी जाते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक सारे भ्रष्टाचार फैला हुआ है, भ्रष्ट अधिकारी सारे इकट्ठे हो रखे हैं और SSC रंगा उसमें सबसे मैन है कि इसी के द्वारा ये इसके अंदर ये कॉलोनी है और इसी के द्वारा बिल बनाए जाते हैं, इसी के द्वारा उन बोकस बिलों का भुगतान करवाया जाता है, उसके बाद ये हिस्सा पत्ती यही बांटता है, इसी के थ्रू बांटा जाता है। तो हम इस प्रेस के माध्यम से भी आपसे भी निवेदन, प्रेस वालों से भी निवेदन करते हैं कि इसकी जितने भी इसके कॉलोनी में काम किए हुए हैं इसकी विजिलेंस से जांच करवाई जाए और हम यही चीज़ मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, यही हमारे एजेंडे में भी है। जो इसका मेटेरियल लगा हुआ है वाकई में ये बिल सही है या नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। धन्यवाद। आपने बताया कि किसानों के समर्थन में भी आप कर रहे हैं, छः सात दिन हो चुके हैं आंदोलन को, आज इतनी लेट आप? देखिए, सौ कर्मचारी संघ हरियाणा जो कर्मचारियों का इस प्रदेश में और पूरे देश के कर्मचारियों का एक बहुत मजबूत संगठन है, उन्होंने रात फैसला किया है कि जो पिछले कई दिनों से किसान दिल्ली पे आंदोलन रहित है अपने जो बिलों को लेके है, उनके समर्थन में सौ कर्मचारी संघ हरियाणा आज पूरे प्रदेश में उससे संबंधित विभाग यूनियन है, जैसे हमारी बिजली जो कर्मचारी यूनियन है ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन, ये सौ कर्मचारी संघ संबंधित है, तो उनके आदेशानुसार आज AHPC वर्कर यूनियन भी तमाम पूरे हेड ऑफिस से सभी कार्यालयों पर अपना प्रदर्शन कर रही है उनके समर्थन में। तो आज हमारी मांग है कि भाई कहीं ना कहीं कर्मचारियों का आंदोलन कर दिए। सर आप बताइए क्या आज का जो इनका जो AHPC वर्कर यूनियन का एक तो स्थानीय मुद्दा था, यहाँ के STO को लेकर कोई लोकल मांगे थी जिस पर काफ़ी सारी जो बातें आई हैं कि काफ़ी सारी भ्रष्टाचार यहाँ व्याप्त है, कर्म अधिकारी काम नहीं करता, एक तो सबसे पहले तो इनका यहाँ प्रदर्शन था। दूसरा आज राज्य स्तर पर भी इनका एक फैसला हुआ कि प्रत्येक सब डिवीजन पे ये गेट मीटिंग करेंगे, किसानों का जो विरोध चल रहा है, जो सरकार उसकी दमनकारी नीतियाँ जो अपना रही है उन दमनकारी नीतियों के विरोध में किसान सड़कों पर बैठे हैं, उनके समर्थन के लिए आज पूरे AHPC वर्कर यूनियन के हर सब डिवीजन लेवल पर ये प्रदर्शन हो रहा है और ये मांग की जा रही है कि सरकार फौरन उनकी बातें सुने और जो तीन कानून जो उनके खिलाफ सरकार बनाने जा रही है उसको कानून को रद्द करे सरकार। इधर दूसरी तरफ सर्व कर्मचारी संघ ने भी ऐलान कर दिया है कि कल पूरे प्रदेश में सभी जिलों में विशाल प्रदर्शन किए जाएंगे किसानों के समर्थन में, आंदोलन के समर्थन में, और सर्व कर्मचारी संघ हर प्रकार की सहायता किसानों के लिए मुहैया कराने के लिए तैयार हो गया है और उसने अपनी अपनी अलग अलग जिलों से जो ना सहायता भी वहां पहुंचाई है और ये भी ऐलान किया है कि यदि सरकार इसी प्रकार इसको लंबा चलाना चाहती है तो कर्मचारी भी इस आंदोलन में सीधे तौर पर शिरकत करेंगे, कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे और किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी क्योंकि हर प्रकार का काम जो ना, हर प्रकार का विभाग जो ना कर्मचारियों के पास है, बिजली की व्यवस्था के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है, पानी की व्यवस्था के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है, टॉयलेट की कोई दिक्कत ना आए उसके लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है, चिकित्सक कैंप की जरूरत पड़ती है उसके लिए लगा दी गई है, राशन बनाने तक का काम के लिए जो ना मिड डे मील वर्कर को वहाँ भेज दिया गया है कि वो भी वहाँ जाके काम करें, मतलब कहीं से भी हम सरकार कितने दिन आंदोलन चलवा ले किसानों के सहयोग करने से पीछे नहीं हटेंगे, हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार के संसाधन, हर प्रकार का सहयोग हम किसान यूनियनों को, किसानों को देंगे जो आंदोलन पर बैठे हुए हैं क्योंकि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, यदि किसान ही टूट गया तो ये अर्थव्यवस्था यहाँ किसी प्रकार से नहीं बचेगी, कोई कारोबार यहाँ नहीं बचेगा और सरकार सीधी पूंजीपतियों के हाथों में खेलकर इस प्रकार किसान विरोधी कानून अपना रही है और किसानों के आंदोलन को सरकार दूसरे ढंग से ले रही है कि ये लोग राजनीति से प्रेरित हैं, अगर ये राजनीति से प्रेरित होते तो BJP को वोट नहीं मिलती, जितने लोग आज आंदोलन में हैं और जितने लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, तो इसका मतलब सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि आपके खिलाफ बहुत बड़ा जनसमूह तैयार हो गया है लेकिन सरकार इसको दूसरा रंग देकर इस आंदोलन को फेल करने पे उतारू है, लेकिन ये आंदोलन इस सरकार के कफन में कील साबित होगा, ये मैं कहना चाहूँगा सर्व कर्मचारी संघ की ओर से कि सरकार इसको फौरी तौर पे इसके साथ बातचीत करके इस मामले को निपटाए अन्यथा पूरा देश इस आंदोलन में खड़ा हो जाएगा और सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगा।
तो ये थे सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने बताया कि उनके कुछ बहुत सारी मांगे हैं जो सरकार को लेकर, दूसरा किसानों के समर्थन में भी ये लोग अभी आ चुके हैं, जब तक उनका आंदोलन चलेगा तब तक ये भी आंदोलन करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सनी चौधरी के साथ मैं प्रीतिका दयान, समाचार एक्सप्रेस करनाल। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.